गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों के मौसम में हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हम सभी की, वो है स्किन की डलनेस, ड्राइनेस, पैचीनेस। स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाता है, तो हम कई सारे उपाय करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर भी वो ग्लो वापस नहीं आ पाता, वो निखार वापस नहीं आ पाती है, हमारी स्किन स्टिल डल दिखती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन वापस से खूबसूरत और ग्लोइंग दिखने लगेगी, स्किन में आपकी जान आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन सी रेमेडी है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। नीचे सब्सक्रिप्शन का रेड बटन दिख रहा होगा आपको, तो आप उसे प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी वीडियोज़ को आप वॉच करते रहें। तो एंड तक देखिएगा मेरी इस वीडियो को, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक सरप्राइज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है। सबसे पहले हमें लेनी है, ये मैंने मलाई ली है थोड़ी सी, और ये है हल्दी पाउडर, मैं इसे मलाई में ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद एक चम्मच से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है हनी, मैं यहाँ पतंजलि हनी ले रही हूँ, आप कोई सा भी हनी ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जो पैक मैंने बनाया है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हनी है और मलाई जो मैंने ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है, ये तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। साथ ही हनी में जो एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपकी स्किन को हमेशा यंग बनाए रखती है, आपके स्किन पर कोई एक्ने पिम्पल्स नहीं होते इसे रेगुलर यूज़ करने से। हनी जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, साथ ही जो इसमें मलाई मैंने ऐड किया है वो भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगी और मुलायम बनाए रखेगी, और हल्दी जो मैंने यूज़ किया है इसमें ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखेगी और इसमें आपको कोई भी एक्ने पिंपल्स नहीं होने देंगे आपकी स्किन पे। तो ये काफ़ी अच्छी रेमेडी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको इसे अपने फिंगर्स पर लेना है और नेक पे, फेस पे, हाथों पर भी अप्लाई करना चाहती तो हाथों पर अप्लाई करें, लेग्स पर अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरह आप इसे अप्लाई करें। इसे अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स तक इसे छोड़ दें, अपने स्किन पे रहने दें, और इसके बाद 15 मिनट्स के बाद आपको करना ये है कि इसे सिर्फ पानी से वॉश करना है, आपको कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे फेस वॉश से धो देंगे तो इसमें जो भी इसके जो अच्छे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो सारे निकल जाएंगे। अगर आप इसे लगाए रखती हैं और 15 मिनट के बाद सिर्फ पानी से धोती हैं तो ये बिल्कुल आपकी स्किन से पूरी तरह हटेगा नहीं, आप बस ये जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है इसमें वो सिर्फ निकल जाएगा, बाकी इसके जो अच्छे गुण हैं वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट होंगे। आपको इस पैक को रात में लगाना है और इसको लगाने के बाद, धोने के बाद अब पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई करके आपको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं आपको उसे अप्लाई कर लेना है और सो जाना है। सुबह में जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी खूबसूरत दिखेगी, मुलायम चमकदार दिखेगी और डलनेस और ड्राइनेस दूर हो जाएगी बिल्कुल। तो ज़रूर अपनाइए मेरी इस रेमेडी को और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैंने जो आपको सरप्राइज़ के बारे में बताया था, वो सरप्राइज़ ये है कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे एक गिव अवे स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।